हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करना, आपके भी फ़ोन में इनकमिंग कॉल शो नहीं हो रहा तो उसको कैसे शो कर सकते हैं। जैसे कि आपके भी फ़ोन में जैसे कि कॉल तो आता है बट क्या बोलते हैं वहाँ पे शो नहीं होता है, रिंग बज रहा है बट शो नहीं हो रहा है आपके फ़ोन में। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी जो कि फ़ोन में आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेटिंग में और मिस कॉल वगैरह दिखेगा बट आपका क्या होगा कि इनकमिंग कॉल शो नहीं होता है। तो इसको शो करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग में। ये मैं मोटोरोला के डिवाइस में आपको बता रहा हूँ। तो आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जाना है जिसको बोलते हैं ऐप सेटिंग। यहाँ पर मोर ऐप्स पर क्लिक करना है, सी ऑल ऐप्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और आराम आराम से स्क्रॉल कीजिए और आपको जो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे क्लिक करना है, मतलब उसी पे क्लिक करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और यहाँ पे फ़ोन वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर नोटिफिकेशंस वगैरह ऑफ हो तो यहाँ से इसको ऑन कर लीजिए, अगर ऑफ होगा तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, इन सबको ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद आपका जो है इनकमिंग कॉल शो होने लग जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद इस बार आपको क्या करना है, आपको जो कि फिर से आपको नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, सी ऑल ऐप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डायल पैड पे क्लिक करना है वापस से, और यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लियर स्टोरेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो फिक्स हो जाएगा क्योंकि हमने क्लियर स्टोरेज कर दिया, जो भी आपको बैकग्राउंड में प्रॉब्लम होगा वो फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से भी अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर प्रॉब्लम आ रहे तो आप एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर लीजिए, क्या पता आपके फ़ोन में सिस्टम में जाकर के अपडेट चेक कर लीजिए, अपडेट आया हुआ तो अपडेट से भी अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे इंटरनेट ऑन रहेगा तभी आपका इंटरनेट ऑन होगा, तभी आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और बैटरी परसेंटेज 30 से ऊपर होना चाहिए अपडेट करने से पहले, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया होगा।